subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तानी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत सौंदा है। जेकर रेसिपीज टाइम पे शारजा कुकिंग ऑयल से गड विटामिन ए ई डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल ओमेगा 3 मौजूद है, तमाम बेहतरीन आई पराठा जडे असा ठाइंदा आयो तो उनमें बनस्पति घी जो इंतखाब कंदा आयो। शारजा बनस्पति घी तमाम बेहतरीन है। आई उनसा गड असा वटा है ऑल पर फुल क्रीम मिल्क, ऑल पर फुल क्रीम मिल्क टेट्रा पैक में दस्तियाब है। ऑल पर जी फ्रेश क्रीम डेयरी फ्रेश क्रीम तमाम बेहतरीन है। खास गऊँ एम एन के रखी होते डेयरी फार्म में इन्हें जो खास ख्याल रखे वो तो उतना ही तैयार थी इनके तुम वी सोता में काफ़ी सारा मिठा ए आइसक्रीम्स भी हाँ डेली तक ठाण से खाना पे इंजॉय कजो तमाम बेहतरीन रेसिपीज हैं। उनसा गड है करछी जो जामी श्री रिफ्रेश करे सहरों अफ्तार करछी जो जामी श्री कुदरती अज्जा से तैयार थियल है। गुलाब ए संदल की खुशबू में जायके में मार्केट में मिले पो। इलायची फ्लेवर में भी दस्तियाब है। शुगर फ्री पेशेंट ला भी यो मार्केट में मिले पो। एनएक्स की ब्रांड एनएक्स हर घर की जरूरत, खासकर अदीन के किचन में एनएक्स जरूर हुजन खपे। यो फॉरन कुकिंग में इजी रहे थे, हर शे तां पीसे सको था। इनमें चॉपर ब्लेंडर जूसर ग्राइंडर एंड सगट हैंड बीटर वगैरह सब मौजूद है। वेबसाइट इन जी यू फोन यूट्यूब से ऐसी सोता या गूगल से वही ऐसी सोता फेसबुक से इनको पेज है उतने मैसेजेस कर सोता उतने सवालों का जवाब दिंदो तो तक गिफ्ट्स भी मिलंदा है। अजो की रेसिपी टाइम पे मुर्ग मसाला तमाम मज़ेदार ही कढ़ाई जो ही टच है मुर्ग मसाला ये जरूर ट्राई कजो। आइसक्रीम्स तक काफ़ी सारे ठाण सिखाना पे तो अज ठाई पिस्ता आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम तमाम मजे की जी पिशावरी आइसक्रीम होंगी उ पिस्ता आइसक्रीम भी ठहंदी तमाम ईजी तरीके से। वो असं ठाईदी ऑल पर फ्रेश क्रीम ऑल पर डेयरी मिल्क से गड फुल क्रीम मिल्क से गाइंदी तमाम बेहतरीन रेसिपी। सुबह 12 वगे रिपीट हूँ कुकिंग विद शेफ फैसल मुझे पेज है उतने रेसिपी अपलोड थी वी वीडियो दिसंगा सर्च कियो कुकिंग विद फैसल यूट्यूब से भी तक वीडियोज मिली। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं मुर्ग मसाला। मुर्ग मसाला एक डिफरेंट रेसिपी है, कढ़ाई के टच में कढ़ाई से मिलती जुलती रेसिपी है। और ये रेसिपी हम बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ। विटामिन ए यू डी से भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल ओमेगा 3 मौजूद है। वनस्पति घी पराठों के लिए बेहतरीन, हलवों में और जरदा बिरयानी में भी हम वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल पर फुल क्रीम मिल्क, ऑल पर डेयरी क्रीम फ्रेश क्रीम जो है उसमें हम आइसक्रीम आज बनाएंगे। ये आप ले सकती हैं, हर जगह अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी पैकिंग में दस्तियाब है। जामे शीरी करशी का जामे शीरी करे सहरों अफ्तार रेफ्रेश तमाम बेहतरीन, और गुलाब संदल की खुशबू में दस्तियाब है मार्केट में मिल रहा। शुगर फ्री पेशेंट्स के लिए भी शुगर फ्री आया हुआ है। इलायची फ्लेवर में भी एनएक्स हर घर की ज़रूरत, खासकर ख़वातीन को किचन में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉरन कुकिंग के लिए, तो एनएक्स की ब्रांड तमाम बेहतरीन है। इसकी जूसर ब्लेंडर चॉपर मिक्सचर हैंड बीटर और ओवन वगैरह आप ले सकते हैं, वेबसाइट आप इनकी देख सकते हैं। आज की रेसिपी बन रही मुर्ग मसाला और पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम काफ़ी आइसक्रीम्स बनाना सिखा रहा हूँ आपको, कंटिन्यू इस पूरे वीक में बनाई है तो आगे भी बनाते रहेंगे, और फालूदा वगैरह कुल्फियाँ भी बनाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा डेली इस तरह की रेसिपी साथ साथ बनाते रहें खानों के। तो किचन में चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मुर्ग मसाला जो है ये तमाम मज़ेदार रेसिपी है, आसान रेसिपी है और फौरन ठहण वाली रेसिपी है। या तह ईद के लिए जी मैं तक रेसिपी ठाई सकान पे रमज़ान में भी ठाईंदा कर ईद में भी इन तुम वेरिएशन कर सोता कटी सो रेसिपी तो इन लाइन असें खे 750 ग्राम यानी 3 पा जी चिकन या कढ़ाई कट थियल है। ठीक है, कढ़ाई कट यानी छोट नंटी बूटी होंगे नॉर्मल कटिंग असं कराइंदा तो वही बूटी कढ़ाई कट करायल है। 3 पाव चिकन ले लें 750 ग्राम कढ़ाई कट करेंगे। ठीक है, इसको कढ़ाई कट करवा के आप छोटी बूटियों में कटिंग करवा दी और लेग पीस को इस तरह कटिंग कराइएगा आधा हो जाए। ठीक है, लेग पीस भी अद्धत विच में थी वो इस तरह ही कटिंग किया हुआ है। रेसिपी स्टार्ट करेंगे डिटेल में, सारी रेसिपी आपको बताता चाहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी क्वान्टिटी में डालते जा रहे हैं। ठीक है, दही भी इसमें जाएगा और टमाटर भी जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे शारजा कुकिंग ऑयल, इसमें 8 खाने के चम्मच। ठीक है, 8 खाने का चम्मच विजंदासी शारजा कुकिंग ऑयल। शारजा कुकिंग ऑयल विजिए बसर ब्राउन में यूज़ किया प्यो इनमें अध कप। ठीक है, ब्राउन प्याज में यूज़ कर रहा हूँ, आपने क्या करना अगर ब्राउन प्याज नहीं है तो आधा कप ऑयल गर्म करेंगी। ठीक है, उसमें आपने 2 अदद प्याज को गोल्डन ब्राउन करके जैसे हलीम के लिए हम करते हैं उस तरह का प्याज आपने ब्राउन करके निकाल देना है, उसको थोड़ा थोड़ा कूट लेना है। यहाँ पे मैं ये ब्राउन प्याज यूज़ कर रहा हूँ आधा कप जितना। ठीक है, इसी सगोता 2 गंड बसर जो दरमियाने साइज़ जो खंड जो अर्ध कप ऑयल गर्म करें उनमें बसर के ब्राउन करें इन तरीके जो कलर थी बने कढ़ी टिश्यू पेपर के मथा या प्लेट में फैलाए छो थो थी वे तो उनके हथ से क्रश करे छो। ठीक है, लेकिन मैं ब्राउन प्याज यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ऑयल गर्म करके इसमें 750 ग्राम चिकन डालेंगे,
आधा कप ऑयल है, ठीक है, ये 8 खाने के चम्मच बन जाते हैं। कॉल बैक होता है। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? शाहिदा बात कर रही हैं। जी, शाहिदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस आज ही गर्मी हुई है वैसे तो बहुत। वाकई आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, आज बहुत ज्यादा। वाकई मुझे भी आज हकीकत में रोजा लग रहा है। सही का सही बात है। फैसल भाई, उस दिन आपने कहा था ना वो प्लेटर बनाऊंगा पकौड़े, उस दिन हमारी याद आती है, सिटी की लाइट खराब हो गई थी। क्या हो गया? तो लाइट चली गई थी? लाइट चले गई थी जी। वो पकौड़े कुरकुरे होते हैं ना, उसकी रेसिपी थोड़ी बता दी। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। बेटे देख रहे हैं आपके रसूल, आपके रसूल। हाँ चलें, ठीक है, थैंक यू। मैं भी रिपीट कराता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में रेसिपी। ओके ठीक है, यहाँ पे हमने चिकन डाल दी है। चिकन को हमने करना है फ्राई, और चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको कवर कर दें, क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ती है। पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, जब कढ़ाई बनाते हैं इस तरह की रेसिपीज में हम पानी नहीं यूज़ करते, तो इसमें पानी यूज़ नहीं होगा। लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो हाफ कप पानी जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, मैंने कवर कर दिया था, क्योंकि चिकन जब हम ऑयल में डालते हैं तो वो छींटे उड़ते हैं और फेस पे आते हैं, कपड़ों पे आते हैं, तो जब भी चिकन ऑयल में डालें 2 मिनट कवर कर दिया करें। उससे क्या होता है, स्टीम लगती है, चिकन वाइट हो जाती है, फिर तब तक ये होता है चिकन से आपको छींटे नहीं लगेंगे ऑयल के। ठीक है, अब इस चिकन को फ्राई होने दें अच्छी तरह, इसमें फ्राई होगी जैसे होती है कढ़ाई के लिए फ्राई। ठीक है, कुरकुरे पकौड़ों के लिए आपने भी कॉल की, उसके लिए आपने 2 कप बेसन लेना है। ठीक है, जो क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, 2 कप बेसन ले लें, 1 पिंच उसमें सोडा डाल दें, मीठा सोडा डाल के उसको अच्छी तरह बीट करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बीट करें, उसके बाद आपने गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने पिसी हुई लाल मिर्च उसमें 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच कूट के डालिएगा, सफ़ेद जीरा कूट के मोटा मोटा कूट के 1 चाय का चम्मच डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का बारीक हाफ स्लाइस कटिंग करके लच्छे की तरह वो डाल दें, 2 अदद हरी मिर्च, अगर बच्चे साथ हैं तो हरी मिर्च भले ना डालें, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून चाट मसाला उसमें डालें। ठीक है, उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करें, मिक्स करके फिर उसमें चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा आप जोहर में रहती हैं हर जगह मिल जाता है, मसाले वाली शॉप पर मिल जाता है, चावल का आटा लेके रखें, 1 से 1.5 चाय का चम्मच चावल का आटा उसमें मिला दें, फिर चावल का आटा मिला के उसको 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद आप पकोड़ों को छोटे छोटे साइज में फ्राई करें तो क्रिस्पी और कुरकुरे पकोड़े बनेंगे। अगर बड़े बना रही है तो बड़े साइज में फ्राई करके हाफ डन हो जाएं, आधे कच्चे पक्के हो जाएं तो उसको निकाल दें, ठीक है, कलर आ जाए, फिर उसको ठंडा करके तोड़ दें, 20 से 2 करके, फिर दोबारा 3-4 मिनट के लिए गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी करके देख सकते हैं, क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। चावल का आटा वैसे भी पकौड़ों में डाला करें, लेके फ्रिज में रख दें, 1 पाव आधा पाव जितना लेके रख दें, हर जगह मिलता है। 2 कप 3 कप बेसन में 1 से 1.5 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच आटा ज़रूर मिलाया करें चावल का, उससे क्या होता है क्रिस्पी हो जाते हैं पकौड़े, ऊपर से क्रंची से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 2-3 मिनट फ्राई करना है, दोबारा एक दफ़ा इसको बीच बीच में इसके साइड्स पलटते रहें ताकि एक ही तरफ से कहीं ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, ऑयल में ही पक्के ही गल जाएगी। कॉल बैठ होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। जी क्या हाल है आपके? जी आपका बड़ा कराम है शेफ, मैंने ना वो लाइट अभी भी आई है तो मैंने अभी अभी चैनल लगाया है आपका, तो रेसिपी मुझे लग रहा है तो कढ़ाई बन रही। कढ़ाई नहीं बना रहा हूँ, मुर्ग मसाला बना रहा हूँ, कढ़ाई से मिलता जुलता ही है। अच्छा अच्छा, नहीं वो आपने कहा ना कढ़ाई को भी डलता है। हाँ, कढ़ाई कट करवाई, मुर्गी कढ़ाई कट है इसकी। जी जी हेलो जी, कढ़ाई कट मतलब ये कढ़ाई जैसे हम चिकन की कटिंग कराते हैं ना, आप बोलेंगे कि कढ़ाई कटिंग कर दें, छोटी बोटियां गोल गोल बोटियां होती है जैसे कढ़ाई में होती है। अच्छा, और दूसरी रेसिपी आप क्या बना रहे हैं? पिस्ता आइसक्रीम। ओ अच्छा, पिस्ता आइसक्रीम, उसके बाद फालूदा ही बना लेते हैं आप। फालूदा कल है। और वो चाय? चाय भी देखें शायद कल या परसों बनाऊंगा, क्योंकि मैं आइसक्रीम्स डेली बनाता जा रहा हूँ, रमजान से पहले मैं चाह रहा हूँ सारी आइसक्रीम्स की। पता है शेफ मसला क्या, ये रमजान के तो दिन है कि इतना क्रेविंग होता है चाय पीने का ना। हाँ, के आप वो वाली चाय कह रही ना, मटका चाय जो आजकल चल रही है। ठीक है, वो असल में वो प्यालियां मिली नहीं, असल आपको बात असल बात बताऊं आपको, वो प्यालियां मिली नहीं जिसमें उसको बॉयल किया जाता है ना, वो देखें मंगवाई है तो इंशाल्लाह आज या कल आ जाएंगी तो जरूर बनाऊंगा, मुझे बनानी है वो। ठीक है। अच्छा शेफ, जब आप वो कटोरियाँ मंगवाएंगे ना तो मतलब बताइए कि हमें क्या चीज देखकर उसको ना परचेज करें, क्योंकि मैं भी परचेज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मिल रही है कई तरह की, आप जो लाएंगे मैं वही परचेज करूंगी। क्या चीज मतलब बताइएगा कि किस तरह का मटेरियल होना चाहिए उसका ना, कि मतलब मुझे, क्योंकि मेरी एक जान फ्रेंड ने बनाई थी तो जब वो उसको दहका रही थी ना आग में तो वो फट गया था मटका। हाँ मटका फट जाता है, ये पका हुआ होना चाहिए मटका, ये खास आपको देख के लेना पड़ेगा, इसीलिए तो मेरा भी डिले हो रहा है कि वो मिल नहीं रहा, वो अलग कच्चा तो मिल रहा है
लेकिन वो टूट जाता है अच्छा जी। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच शेफ, और बहुत ख्याल आप भी अपना रखिएगा, ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ठीक है। दोबारा रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, मुर्ग मसाला बन रहा है, इसके लिए हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया, शारजा कुकिंग ऑयल, और इसमें 3 पाव चिकन है, आप 1 किलो तक भी बना सकती हैं, आधा किलो भी बना सकती हैं, 3 पाव चिकन, कढ़ाई कट, छोटी बोटियाँ कहते हैं इसको, लेग पीस का भी हाफ होता है, 2 पीस होते हैं, ठीक है। इस तरह की देखें, इसका ज़बरदस्त सब कलर आ गया, और ये तकरीबन 60% इसमें फ्राई होकर गल गई है, ठीक है। मुर्ग मसाला टाइप है, अध कप खड़ा सी शारजा कुकिंग ऑयल, इनमें 3 पाव यानी 750 ग्राम चिकन है, तां 1 किलो ताईं भी बनी सको था, उनके कढ़ाई जी कटिंग कराए जो नंडी बूटी में कराई छो, इनके मिक्स करे, विझी छो, वॉश करे पानी में, छन्नी में विझो ताकि जो पानी निकली वे, उनका पोइ इनके कवर करे छो, ऑयल में ही पचंदी रहंदी, जडे जो तां दिसंदो बिल्कुल क्रिस्पी कलर इंदो, गोल्डन थी वेंदी ऑयल जे अंदर पची। अभी इसको और पकाएंगे, तकरीबन 6 से 8 मिनट इसको पकाना है, 2 मिनट और पकाते हैं ताकि 60% ये गल जाए इसी में, फिर बाकी हम मसालों में इसको गलाएंगे। टमाटर इसमें जाएगा, अच्छा टमाटर इसमें कितने जाएंगे, 3 अदर टमाटर हैं, इसका छिलका हटाना है, छोटी छुरी से पूरे टमाटर का छिलका उतार दें, और छिलका उतार के फिर टमाटर को आपने चॉप करना है, छिलका नहीं होगा इसमें, ठीक है। 3 अदर टमाटर खण जो दरमियाने साइज जा, इन जो छिलको हटाई छो छुरी सा, सजो इन जी खल हटाई छो टमाटे जी, उनका पो इन टमाटे के ही बारीक कटिंग कयल है, नंढा नंढा पीसेस कयल है, ही फौरन गरी वेंदा इनमें, ठीक है, इस तरह। इसके बाद ये दही है, इसमें जाएगी 1 कप दही, ठीक है। टमाटर छिलको के बगैर, 3 टमाटर का छिलके हटा के बारीक चॉप किया हुआ, 1 कप दही और 1/2 कप ब्राउन प्याज जाएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, सहरी में, अफ्तारी में, और वैसे ईद में भी आप बना सकती हैं, और इस तरह की रेसिपीज अपने पास लिख के रखा करें, ठीक है, वरना पेज पे आपके मिल जाएंगी। अभी तकरीबन डन हो गई है, ठीक है, 60% 70% ही तैयार थी भैया, बिल्कुल गाढ़ो कलर जो मतलब लेयर अच्छी है। हाँ मैं इनमें छावी चंदा अदरक थूम जो पेस्ट, अब हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, 2 टेबल स्पून, क्योंकि 3 पाव अगर आधा किलो बना रही तो 1 खाने का चम्मच डालेगा, 1 किलो तक आपने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के एक थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हमने 3 अदर टमाटर चॉप किए हुए छिलका हटे हुए टमाटर इसमें डाल दिया, ठीक है। हाँ इनमें 3 अदर टमाटा विया जिनकी खल हटायल है, ठीक है, इनके सफाई गरी वा टमाटा, चिकन इनमें मजीद गरी वी टमाटर में, ठीक है। फिर इसको कवर करेंगे ताकि चिकन जो है वो टमाटर के साथ गल जाए, और जब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो 1 अदद हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे तो इसका ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा, जो डिफरेंट सा आपको एक फ्लेवर लगेगा, इस तरह ज़रूर करना है आपने, ठीक है। 1 अदद साओ मिर्च ज़रूर विझे जो टमाटे से गड कटिंग करे, हाने टमाटो जदे गरंदो इनमें तो टमाटे से गड साए मिर्च जो फ्लेवर इन ऑयल में इन चिकन में अची वो, ठीक है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेसिपी, इसको सिर्फ 2-3 मिनट पकाना है ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाएं, ठीक है। टमाटर बिल्कुल गलना चाहिए अच्छा सा, एक दफ़ा फिर घुमा लेते हैं, फुल आंच की भी है मैंने, ठीक है, टमाटर का पानी निकल रहा है जी। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई परवीन बात कर रही हूँ कराची से। जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक है। दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फैसल भाई, कल आपने कुल्फा आइसक्रीम बनाई थी ना? आज पिस्ता आइसक्रीम बन रही है? नहीं नहीं, कल कल कुल्फा बनाया था जी। जी फैसल भाई, नहीं आ रही तो मैंने देख ली थी, लेकिन वो बता दें कुल्फा आइसक्रीम के टाइम लाइट चली गई थी ना। ठीक है, मैं रेसिपी रिपीट कराता हूँ, आप टीवी की तरफ जाएं, ठीक है। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, इसको 4-5 मिनट तक गलाना है, टमाटर बिल्कुल गलना चाहिए, नजर नहीं आए, ठीक है, इस तरह चम्मच चलाते रहें। अब इसके पीसेस बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, फिर इसको 2-3 मिनट छोड़ते हैं। कुल्फा आइसक्रीम की रेसिपी रिपीट कराता हूँ, कल हमने बनाई थी किंग कुल्फा आइसक्रीम, जिसके लिए जूसर मशीन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़े स्लाइस ब्रेड के, अगर छोटे साइज की ब्रेड है तो 3 स्लाइस डालें, ब्राउन एजेस इसके नहीं हटाने, ब्राउन साइड के साथ पीसेस करके आपने उसमें डाल देने। फिर 1 कप मैंने पूरा 1 पाव ऑल पर फुल क्रीम मिल्क डाला था, ठीक। रिफ़्रेश करे सहर अफ्तार करसी करशी का जामी शरी, कुदरती अज़ा से तैयार किया हुआ संदल और गुलाब की खुशबू में जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का शरबत, इलायची फ्लेवर में भी दस्तियाब है और शुगर फ्री भी मिल रहा है, उसके साथ ऑल पर का फुल क्रीम मिल्क, ऑल पर डेरी क्रीम यानी फ्रेश क्रीम,
जिसमें आइसक्रीम्स, मीठे, काफ़ी सारी वराइटियाँ बनाते हैं। शारजा कुकिंग ऑयल हमारे साथ हमेशा है, जिसमें हम मज़ेदार खाने बनाते हैं। उसका बनस्पति घी, खासकर जब पराठे बनते हैं, एनएक्स की क्वालिटी प्रोडक्ट तमाम बेहतरीन है। फंक्शन इनके जो हैं एलईडी लाइट में आ गया है, ये सिस्टम आप देख सकते हैं। और इसमें जो सर ब्लेंडर, चॉपर, मिक्सर, हैंड बीटर वगैरह सब मौजूद है, आपने अपने किचन को आसान बनाएं। यहाँ पे मुर्ग मसाला बन रहा है, मुर्ग मसाले के हिते मां टमाटा विधा अं साओ मिर्च विधो एक अदत अं के छड़ी दिनों तो चिकन जेका टमाटर सा गड बिल्कुल परफेक्ट गरी हुई है। ठीक है, चिकन बिल्कुल ज़बरदस्त गल गई है टमाटर के साथ, हरी मिर्च का फ्लेवर आ गया। अब इसमें हमने डालने हैं मसाले। मसालों में अब क्या क्या जाएगा पूरी रेसिपी भी रिपीट कराऊंगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीठल हाइड विझंदासीं एक चाय जो चमचो, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच। ठीक है, धाणा चाय जो चमचा, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हाइट एक चाय जो चमचो, लूण आधे चाय जो चमचे का थोड़ा मथे, नमक हाफ टी स्पून से थोड़ा ऊपर डाला है। ठीक है, फोर टेस्ट डाला है, बाद में कम हो जाए तो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं कर सकते। हल्दी एक चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर क्वार्टर टी स्पून, कुटी हुई काली मिर्च चौथा चाय का चम्मच डाल के मसाले को हल्का सा यहाँ पे भूनेंगे। ठीक है, ताकि कलर आने लगे। फिर इस मसाले में हम डाल देंगे एक कप दही, एक कप दही है पूरी इसके अंदर चली गई। ठीक है, दही को बीट नहीं किया मैंने, इसी तरह छोड़ा है पीसेस में। ठीक है, दही को बीट करके नहीं डालना, पीसेस में ही अच्छी लगेगी इसके अंदर सारे प्याज के साथ, वो बड़े से अच्छा लुक आएगा। दही डाल के इसको घुमाते रहें। ठीक है, अब इसका चूल्हा थोड़ा तेज़ करते हैं ताकि दही का पानी जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर पक जाए और दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, दही के इनमें भुजंदासीं ॿ मिंट, मसालन सा गॾु पचंदी बॉइलिंग ईंदी त पोइ हिन में छा विझंदासीं, बसर ॿ गंढ बसर जूं ब्राउन करे रखियूं हुयूं उहो विझंदासीं। ठीक है, एक बॉयल आ जाए इसमें दही का। अब इसमें हम डालेंगे ब्राउन प्याज, ब्राउन प्याज ये दो अदद ब्राउन प्याज के ब्राउन या हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन प्याज ले लिया, उसको हाथ से क्रश कर दिया था। ठीक है, लास्ट में ब्राउन प्याज डाला, इसको मिक्स करें, इससे गाढ़ापन आ जाता है ब्राउन प्याज से। ठीक है, बहुत मज़े की रेसिपी है मुर्ग मसाला, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छा, इसको दो ऑप्शन है, एक आप चाहें तो ड्राई रख सकते हैं, एक आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी सॉसी करेंगे। ठीक है, हम इसमें सिर्फ हाफ कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा इसको सॉसी बनाएंगे, वरना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आधे कप पानी, ठीक है, हाफ कप पानी डाल के इसमें बॉयलिंग आने दें, और उस दौरान जब इसमें बॉयलिंग आएगी इसमें डालेंगे हरी मिर्च, मोटी वाली ले लें, बारीक ले लें, बीच से कट लगा के, एक दो तीन, ठीक है, तीन अदद हरी मिर्च डाल दी, पानी डाल दिया मैंने इसमें आधा कप, और अब इसमें एक बॉयलिंग आने दें, इसको मिक्स करके इसका कवर लगा देंगे। ठीक है, कवर लगाएंगे, पाँच मिनट इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद इसमें दो तीन चीज़ें और जाएंगी, फिर इसको पाँच मिनट दम पे रख के निकाल देंगे, थोड़ा सा लेमन जूस आखिर में जाएगा। ठीक है, पंज मिनट हिन जे अच्छा कंदासीं के हिन खे दम ते रखंदासीं, हिनजी पूरी रेसिपी रिपीट कराईंदमि, काश ही मिस थी वई हुजे त उहो तव्हां नोट करे सघो था। ठीक आहे, मुर्ग मसलम बन रहा है, मुर्ग मसलम लाइ असां खईं टे पा चिकन, अधु प्याली ऑयल खणंदासीं, अठ खाइण जा चमचा, हुनमें ॿ गंढ बसर जी ब्राउन करी कढी वठिजो, पोइ हुन ऑयल में चिकन विझिजो, चिकन खे कवर करे पंज खां अठ मिंट बचाईंदो, चिकन जो कलर चेंज थी वेंदो, पोइ अदरक थूम जो पेस्ट ॿ खाइण जा चमचा वेंदा, उहो विझी थोरो घुमाइजो, पोइ टमाटा टे अदद छिलका हटाई टमाटनि जा। ठीक आहे, हुनखे कटिंग करे छॾिजो बारीक, उहो छिलकनि जे अंदरि टमाटोनि जे अंदरि विझंदो, ऐं हिकु अधु साओ मिर्च कटिंग करे विझिजो, ऐं टमाटर खे पचणु ॾिजो पंज अठ मिंट ताईं। कॉल वठूं था पहिरीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि आप डेली कुल्फी आइसक्रीम मुख्तलिफ बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आइसक्रीम मुझे कुल्फी आइसक्रीम ये सब इतना पसंद है कि अगर खाने में के साथ आइसक्रीम या कुल्फी हो तो हम खाना छोड़ देंगे। अच्छा, और ये खाएंगे। सीजन भी ऐसा है ना कि आइसक्रीम वगैरह की सीजन में खाने का। अच्छा, दूसरा ये कि वो एक और होता है जैसे कि वो कस्टर्ड टाइप का जो आइसक्रीम पाउडर मिलता है जी जी, तो उससे भी आइसक्रीम बनाते हैं, तो किसी रोज उसकी भी आइसक्रीम बनाइएगा।
वो असल में मैं इस तरह बना नहीं सकता हूँ क्योंकि ब्रांड्स होती है ना, तो हमें अलाउ नहीं होती इस तरह बनाना। नहीं, ब्रांड के अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स की होती है ना, तो आप खाली पाउडर कह के कर सकते हैं आइसक्रीम पाउडर। चले, वो मैं फिर परमिशन ऊपर से मार्केटिंग टीम से पूछना पड़ेगा ना इस तरह के दे, इस तरह हम यूज कर सकते हैं, तो फिर मैं ले आऊंगा सब। हाँ, क्योंकि वो जो है ना उससे भी, क्योंकि वो भी हम लोग को आनी चाहिए, थोड़ा हमने एक आता था उससे भी बनाई है, तो उसमें गाजरों का थोड़ा सा खुद से क्रीमी फ्लेवर क्रीमी नहीं, जिस तरह मैं ये बना रहा हूँ ना क्रीम के साथ ऑल पर, ये बिल्कुल आप जब खाएंगी तो आपको बिल्कुल वही क्रीमी टेक्सचर आएगा, क्योंकि उनमें तो पाउडर्स वगैरह डले होते हैं ना, ये बिल्कुल हम फ्रेश क्रीम के साथ बना रहे हैं, जब आप इसको खाएंगी ना बिल्कुल आपको वही क्रीमी टेक्सचर आएगा जो हम मार्केट में जाके खाते हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं ये ज्यादा मजे की होती है, ये हम कह रहे हैं ये ज्यादा मजे की हमारी जो बनती है और वो जो बाहर हम कंपनीज की लेते हैं वो बिल्कुल फ्लफी सी होती है, स्पंजी टाइप की होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा ना स्पंज की तरह, ये थोड़ी हैवी होती है, जिस तरह पिशावरी आइसक्रीम होती है ना उस तरह की ये होती है इसकी टेक्सचर होता है। तो उसके साथ तो ये होता है ना जो बाजार की वो वैसी आइसक्रीम होती है जो ब्रांडेड होती है, हाँ, वो अच्छी, बहुत ज्यादा ब्लेंड हुआ हुआ होता है, हम लोग इतना ब्लेंड नहीं करते बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, 3-4 मिनट हो गए, ठीक है, इसको मैंने कवर किया था, अब ये इसको इसमें गाढ़ापन आ गया, ठीक है, कवर करो, इनमें घाटोपन अच्छी हुई, देखें गाढ़ापन इस तरह आ गया, इसका मसाला देखें कितना ज़बरदस्त ही बना है, इस तरह का इसका मसाला बनेगा, ठीक है, ये अब बिल्कुल तैयार हो गई है, हरी मिर्चों का कलर भी चेंज हो गया है, हल्की आँच पर करना है ताकि नीचे से लगे ना। अब लास्ट में इसमें क्या डालेंगे, हमने डालना है कसूरी मेथी, खुश्क मेथी, ठीक है, आखिर में आधे चाय जो चमचों कसूरी मेथी, हथ सा मसले हैं जो मथा जिंदा सी, कसूरी मेथी मसल के डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, आधे चाय जो चमचों गरम मसाला पाउडर, आधे चाय जो चमचों कसूरी मेथी, अच्छो जीरो तय जो मथा भुनियल कुटियल आए, ठीक है, तवे के ऊपर सफ़ेद जीरा भून के फ्राइंग पैन में और उसको क्रश करके ये आपने 1 चाय का चम्मच लास्ट में डाल देना, ठीक है, ये डाल के आपने करना है मिक्स, इसको हल्के हाथ से मिक्स करें, बोटियाँ टूटे भी ना, बड़ी ज़बरदस्त ये आपका हो जाएगा मुर्ग मसाला तैयार, ठीक है, बिल्कुल सारे मसाले घर के हैं और लेकिन ये बड़ी चटपटी रेसिपी, राइस के साथ खाएं, इसको पराठे के साथ सहरी में खाएं, तंदूरी नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, ये तैयार थी भाई, इनमें कसूरी मेथी भाई, यही सब शयूँ विझण का पोह मिक्स करो, सावा धाणा इनमें विधना था, 3 का 4 खाने का चमचा, 4 टेबल स्पून हरा धनिया डाल दिया, अब आखिर में इसमें डालेंगे लेमन जूस 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, लीमे जो रस 1 खां 1.5 चाय जो चमचो, इनके मथा हली वो इनके कवर कंदासी 5 मिनट जस्ट इनके दम ते रखे डिश आउट कंदासी जेस ताईं मां रेसिपी जी रिपीट कराया तो, ठीक है, रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, लास्ट में सिर्फ अदरक डलेगी जब हम डिश में निकालेंगे, रेसिपी रिपीट कराया पे 750 ग्राम जडे सां खई चिकन, उनके अध कप ऑयल में 2 गंढ बसर जो ब्राउन करे कटी छजो, उनमें चिकन विझो, चिकन के 5 मिनट कवर करे पचाए जो बगैर पानी जो गरी वेंदी कलर अची वो, अदरक थूम जो पेस्ट वो 2 खाने जा चमचा, उनके विझी मिक्स कजो, टमाटर 3 अद छिलको हटाई जी खल लाई, टमाटर बारीक कटिंग करी नंढा नंढा पीस करे विझी छजो, 1 अद सावा मिर्च विझो, कवर कजो, 5 मिनट हल्की बाहि ते पचण जो, टमाटा सफा गरी वेंदा, पो उनमें मसाला विझबा, पीटल गाढ़ा मिर्च, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, पीठल धाणा 2 चाय जा चमचा, लूण 1/2 चाय जे चमचे का थोड़ो मथे विझंदो, ठीक है, यो विझण का उनके चंगी तरह मिक्स कजो, एकड़ी बॉइलिंग अचण लगंदी, वो दही विझो 1 कप बगैर फेटे बगैर दही के विझे जो 1 कप, उनके 2 मिनट पचाए जो, उनका वो ब्राउन बसर जो कटे रखे उनके हथ से चूरो कजी, वो बसर विझो, वरी मिक्स कजो, 1/2 कप पानी विझो, कवर कजो, 3-4 मिनट उनको कलर चेंज थियण लगे, थोड़ो घाटो पे नींदो, पो अद इनमें विझंदासी सावा मिर्च, 3 कटिंग करे सावा मिर्च लंबाई में, वो विधा वरी 2 मिनट उनके कवर कजो, साई मिर्च जो कलर चेंज थी वो, वो ढक हटाने का पॉइंट में विधि कसूरी मेथी यानी खुश्क मेथी जो होंगी वो 1/2 चाय जो चमचो हथ से माटे विझो, अच्छो जीरो तय के मथा सेके कुटे वो विझो, 1 चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो विधो मिक्स कयो, वरी उनका पो सावा धाणा 4 खाने जा चमचन तक सावा धाणा, 1 चाय जो चमचो लूण लेमन जूस विझी कवर कजो, 5 मिनट में ही दम से अची वो उनके डिश आउट कटंदी, ठीक है, रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ मुर्ग मसाले की, इसके लिए जी कॉल बैठूँ तो पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं सक्का से नसीन बात कर रही हूँ। जी जी, क्या हाल है आपके? कल आपने ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, कल आपने जो कुल्फा बनाया था जी, तो इससे पहले आइसक्रीम बनाई थी आपने? हाँ, इससे पहले मैंने आइसक्रीम बनाई थी, चीकू आइसक्रीम बनाई थी ना आपने, चीकू आइसक्रीम, चीकू आपने उसको कहा था 6 घंटे बाद उसको मैश करना है। जी 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 जी, और कल कुल्फा जो बनाया है वो भी इसी तरह ही करना है? नहीं नहीं नहीं, कुल्फा नहीं कीजिएगा, कुल्फा को आप वैसे ही रख दीजिएगा, वैसे ही रखना है। हाँ, उसको वैसे ही रख दीजिएगा।
क्योंकि वो जो फ्रूट था ना, फ्रूट में क्रंचीपन आ जाता है थोड़ा, तो इसलिए उसको मैंने कहा था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कल आपने ये मुझे बताया, हमें बताया नहीं ना कि टीवी पे कि इसको 6 घंटे बाद आपको मैं। नहीं नहीं, वो सिर्फ फ्रूट था, उसमें चीकू के पल्प डाला था, तो उसमें थोड़ा वैसे ही दाना होता है, चीकू हम खाते हैं तो थोड़ा होता है क्रंची, तो इस वजह से इसमें जरूरत नहीं है। इसमें ऐसे ही बना के बस फ्रीज, बस ऐसे ही रख दें फ्रिज में 12 से 15 घंटे, अगर लाइट जा रही बार बार तो ज्यादा टाइम रखें, चेक करें, जम जाएगी तो फिर इसको आप निकालिएगा 10 मिनट पहले, फिर उसको आप निकाल के सर्व करें। अच्छा अच्छा, बस मुझे यही डाउट हो रहा था कि पता नहीं। नहीं नहीं, असल में इसमें ब्रेड स्लाइसेस डले हुए ना, तो वो खुद ही उसका टेक्सचर बना लेता है ब्रेड। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं मुर्गा मसाला। थैंक यू। अच्छा, ये जो किंग कुल्फा मैंने बनाया था ना, इसको आप कुल्फी के सांचो में भी डाल सकते हैं, कुल्फी भी बना सकते हैं इसकी। अच्छा अच्छा, ये कुल्फी बन जाएगी। ठीक है, अगर कुल्फी बन जाएगी, हाँ कुल्फी के सांचो में डालेंगे कुल्फी बन जाएगी। आपने ये भी कहा था ना कि अगर वो नहीं मिले चीनी डाल दें। हाँ, अगर कंडेंस मिल्क नहीं मिलता तो हाफ कप चीनी लें पहले, फिर उसको पीसें चीनी को, फिर वो आप उसमें मिला दें। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये कि कंडेंस मिल्क से थोड़ा क्रीमी टेक्सचर ज्यादा आता है, लेकिन चीनी पीस के डालेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ये देखें, ये हमारा हो गया मुर्ग मसाला तैयार। ठीक है, अच्छा मुर्ग मसाले की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। इसके लिए हमने लेना है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है, शारजा कुकिंग ऑयल। इसमें 750 ग्राम 3 पाव चिकन डाल के कवर करके हल्की आंच पे पकाना, चिकन बिल्कुल गल जाएगी, गोल्डन कलर आ जाएगा 5 से 7 मिनट में, ऊपर से उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश सी हो जाएगी। फिर इसमें आपने 1 अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने की चम्मच डालना है 2 मिनट भूनने के बाद। फिर टमाटर 3 अदद ले लें बड़े लाल, उसके छिलके हटा के बारीक चॉप करके आपने टमाटर उसमें डाल देना है। ठीक है, 1 अदद हरी मिर्च डाल के कवर कर दें, मिक्स करके 5 मिनट तक टमाटर बिल्कुल गल जाएगा। फिर इसको भून के फिर उसमें पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1/2 टीस्पून से थोड़ा ऊपर, 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा, बहुत ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, फिर वो डालने के बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद 1 कप दही बगैर बीट किए हुए फेंटे बगैर आपने दही डाल देनी है। ठीक है, दही डाल दीजिएगा, दही को 2 मिनट पकाइएगा। उसके बाद जो ब्राउन प्याज करके आपने निकाला था पहले, 2 अदद प्याज ब्राउन प्याज करके निकाले थे, उसको हल्का सा हाथ से तोड़ के ब्राउन प्याज मिला दें, और फिर उसको मिक्स करके 1/2 कप पानी डाल के कवर कर दें 5 मिनट, ताकि वो पकता रहे मसाले के साथ ब्राउन प्याज आया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कवर हटा के फिर आपने इसमें 3 अदद हरी मिर्चें लंबाई में कट करके डालनी, फिर 2 मिनट कवर करें ताकि हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, उसमें खुशबू आ जाएगी। फिर आपने इसमें क्या करना है कि इसमें जीरा पाउडर, जीरा तवे के ऊपर 1 चाय का चम्मच पीस भून के पीस के वो डाल दें, 1/2 चाय का चम्मच आपने इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के यूँ डाल दें, फिर उसको मिक्स करें 5 मिनट दम पे रखें। साथ ही हरा धनिया भी डाल दीजिएगा 4 खाने के चम्मच जितना, और उसके साथ मैंने इसमें लेमन जूस 1 से 1.5 चाय का चम्मच डाल के इसको कवर करके दम पे रखा था। ये बिल्कुल तैयार हो गई है, ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसे हम डिश में निकालते हैं, मुर्ग मसाला रेसिपी बहुत ही अच्छी, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, कढ़ाई की ही फैमिली से है, इसको बिल्कुल आप देखें इस तरह का मिक्सचर है। ये आप नान के साथ या आप चपाती के साथ, चावल वाइट राइस होते हैं उसके साथ, मटर वाले राइस होते हैं उसके साथ आप खा सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है, ये आराम से पूरी एक फैमिली के लिए 6 से 8 अफराद खा सकते हैं। थिक रेसिपी है थोड़ी। अच्छा, इसको थोड़ा पतला करना चाहें तो आप मज़ीद इसमें पानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 1 कप जितना, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं कीजिएगा, फिर इसका वो लुक और वो फ्लेवर नहीं आएगा जो ये ओरिजिनल रेसिपी है। ठीक है, अगर चाहे तो इनमें पानी विझी 1 कप तक वधाई सको था, लेकिन वधी इनकी ग्रेवी ना ठाहिजो, पंहिंजो जेको रेसिपी ओरिजिनल आहे उहो शइ ख़तमु थींदी, पोइ ई बोड़ ठही वेंदी, जी भाॼी ठही वेंदी, त उहो न ठाहिणु खपे। ठीकु आहे, और जो इसका ऑयल है ये पूरा इसके ऊपर इस तरह डाल दें। ये हो गया हमारा मुर्ग मसाला तैयार। ठीक है, और इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक फाइन जूलियन कटिंग किया हुआ, अदरक को आपने पारचे बना के इसके ऊपर इस तरह अदरक डाल दें, और ये रेसिपी आपकी ज़बरदस्त सी हो गई तैयार। थोड़ा सा हरा धनिया कलर देने के लिए ऊपर से लाइट सा गार्निश करें, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इसमें डला हुआ है। ऐसा ही थी वही मुर्ग मसाला तैयार। हाँ, ठाईंदासीं पिस्ता आइसक्रीम। रेफ्रेश करें सहरो अवतार करशी जो जामे शीरी।
तमाम बेहतरीन शरबत कुदरती अज़ा से तैयार थियल गुलाब संदल की खुशबू में जायके में है ये मार्केट में मिले पे सगत इलायची फ्लेवर में भी तमाम बेहतरीन शरबत है शुगर फ्री पेशेंट ला भी है ऑल पर फुल क्रीम मिल्क ऑल पर जी फ्रेश क्रीम तमाम बेहतरीन जैमें आइसक्रीम्स चाहे पे इनशाला हाँ ईद अचे पी तो काफ़ी सारा मिठा भी ठाना जैमें असं ऑल पर जो इस्तेमाल कंदी शारजा कुकिंग ऑयल वाइटमिन ए डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल ओमेगा थ्री मौजूद है इन जो बनस्पति घी भी तमाम बेहतरीन है हर जगह अवेलेबल है इनमें रेसिपीज तमाम सुठियो असा ठाईंदा आयो खाधा ठंदा तमाम सुठा खुशबूदार ठंदा है उनसा गड है एनएक्स हर घर की जरूरत क्वालिटी प्रोडक्ट है छह फंक्शंस में दस्तियाब है इनमें डिफरेंट किस्म के फंक्शन जैमें चॉपर ब्लेंडर जूसर हैंड मिक्सचर है हैंड बीटर है इन जो एनएक्स जो तुम वी सोता माइक्रोवेव है ओवन है सब वी सोता इनकी वेबसाइट तीन सोता हाँ असं ठाईंदी पिस्ता आइसक्रीम ठीक है पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं इसके लिए हमने क्या लेना है एनएक्स का जूसर ब्लेंडर और ग्राइंडर ठीक है इलायची का पाउडर बनाते हैं एक चाय का चम्मच इलायची लेने ठीक है तकरीबन 10 से 12 अदद इलायची लेनी है इसको हमने एनएक्स के ग्राइंडर में पीस लेना है ठीक है इनके पीसे छदासी पीसण का जो पाउडर ठीक है इनका छिलका अलग कर छदासी ठीक है इसका छिलका अलग कर देना है पिस्ता है हमारे पास 4 टेबल स्पून जितना पिस्ता उसको आपने पीस चॉप कर लेना है ये पिस्ता है ये पहले से चॉप हुआ हुआ इस तरह स्लाइस में ठीक है 4 खंड चमचा पिस्ता इसका छिलके ऊपर आ जाएंगे ये आपने छिलके हटा देने ठीक है और इसका पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच या उससे थोड़ा कम पाउडर निकलेगा तो ये इलायची को मैंने छान लिया ये इसका छिलका हट गया ठीक है आई हाँ कंदी असं खी एनएक्स जो ब्लेंडर जूसर जूसर ब्लेंडर सेम चीज़ होंगी ठीक है एनएक्स का ब्लेंडर ठीक है इसको हमेशा ये लॉक सिस्टम होता है इसको लॉक कर दिया करेंगे जब भी हम लॉक नहीं करते तो इसकी जो नीचे वो चल रहा होता है गरारी होती है जैसे रॉड होती है वो घिस जाती है जल जाते हैं उससे तो इसको हमेशा लॉक किया करें ठीक है मैं भी थोड़ा देख के लगाता हूँ इसी वजह से इनमें हाँ चाहे चंदासी फ्रेश क्रीम ऑल पर जी ब पैकेट ठीक है 2 पैकेट ऑल पर की फ्रेश क्रीम मिल जाती है मार्केट में हर शहर में हर जगह मिलती है ठीक है ऑल पर की फ्रेश क्रीम दूध से बनाते हैं बहुत से लोग दूध बॉयल करके उसमें आइसक्रीम बनती हैं उसमें फिर वो ख़तरा होता है कि आइसिंग सी हो जाती है वो होममेड आइसक्रीम्स होती हैं सबसे बेस्ट आइसक्रीम फ्रेश क्रीम से बनती हैं सबसे बेस्ट जो आइसक्रीम्स होती हैं फ्रेश क्रीम से बनती हैं ठीक है डेयरी की जो फ्रेश क्रीम होती हैं और जो हम वो दूध में पका के उसको गाढ़ा करके कस्टर्ड पाउडर डालते हैं ये चीज़ें वो मज़ा नहीं आएगा आप खाएंगे लेकिन आपको आर्टिफिशियल इसमें बिल्कुल वो ओरिजिनल आइसक्रीम्स के फ्लेवर आते हैं जो हम खाते हैं क्योंकि इनकी क्रीम्स ओरिजिनल ये डली होती हैं फ्रेश क्रीम्स ठीक है ब पैकेट फ्रेश क्रीम इनमें भी जहाँ पर जॾहिं भी आइसक्रीम असां खीर वारी घर में ठाहींदा आहियूं काफ़ी माण्हू ठाहींदा आहिनि काफ़ी शेफ्स भी ठाहिण सेखारनि पिया उहा हुनमें छा थींदो आहे जॾहिं ॼमंदी आहे त पोइ खाईंदा आहियूं क्रंचीपन ईंदो आहे आइसिंग थींदी आहे हुनजे अंदरि ठीकु आहे उहा शइ ख़तमु थी वेंदी आहे हिनजे करे छाकाणि त हे असां क्रीम विझंदा आहियूं त क्रीमी आइसक्रीम ज़बरदस्त ओरिजिनल तव्हांखे टेस्ट खपे त इहा क्रीम यूज़ कंदा कयो ठीकु आहे क्रीम जी आइसक्रीम तमामु बहितरीन ठहंदी आहे पूरे 2 पैकेट फ्रेश क्रीम चल गया अब यहाँ पे डालूँगा ऑल पर का फुल क्रीम मिल्क ये 1 पाव का पाउच मिलता है इसका हमने डालना है 1/2 पाउच ठीक है पूरा नहीं डालना ये तकरीबन 1.5 कप होगा 1 गिलास आपने 1/2 गिलास डालना है ठीक है अगर बड़ा पैकेट यूज़ करें तो 1/2 गिलास ये डालना है 1/2 गिलास ये विझणो है खीर 2 पैकेट फ्रेश क्रीम 2 पैकेट फ्रेश क्रीम डाल दिया 1/2 कप आपने सॉरी 1/2 गिलास आपने दूध डाल दिया ऑल पर का फुल क्रीम मिल्क ही डालिएगा क्योंकि ये गाढ़ा होता है दूध जो बॉयल करके हम दूध यूज़ करते हैं वो ना इस चीज़ों के लिए 1/2 कप हमने कंडेंस मिल्क लेना है ठीक है और अगर कंडेंस मिल्क नहीं है फिर वही कहूँगा कि 6 खाने के चम्मच आपने चीनी लेनी है और उसको पीस के फिर वो डालना है ना हाँ खड़ी बैठ मुझे खबर ठीक है ये हो गई और इसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद हमने डालना है पिस्ता ठीक है वरी ॿुधायां तो 2 पैकेट फ्रेश क्रीम 1/2 गिलास असां हिन में विझंदासीं फुल क्रीम मिल्क ऑल पर जो ठीक आहे हुन खां पोइ मां हिन में कंडेंस मिल्क विधो 1/2 कप अगरि कंडेंस मिल्क न आहे त 6 खंड जा चमचा खंड खे ग्राइंडर में पीसी पाउडर ठाही उहो विझी छॾिजो ठीकु है 2 पैकेट फ्रेश क्रीम 1/2 गिलास आपने फुल क्रीम मिल्क लेना है ऑल पर का मैंने डाल दिया उसके बाद इसमें मैंने कंडेंस मिल्क 1/2 कप डाला है 1/2 कप कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी मैंने 2-3 दफ़ा बनाना अपने प्रोग्राम में सिखाया कुकिंग विद शेफ असल मेरा पेज वहाँ पे रेसिपी डाल दी मैंने दोबारा शेयर की हुई है
नहीं तो फिर आपने चीनी 6 खाने के चम्मच चीनी को पीस के वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर बनाया हुआ 10-12-15 मोटी इलायची लीजिएगा उसमें दाने वाली, फिर उसका पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना, पिस्ता चॉप किया हुआ 4 खाने के चम्मच जितना पिस्ता डाल दिया। अब इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर 1 चाय का चम्मच, और केवड़ा वाटर नहीं तो अरके गुलाब डाल दें 1 चाय का चम्मच, 1 चाय जो चम्मच अरके गुलाब या केवड़ा वाटर भी जो गुलाब जो पानी भी सब होता ठीक है। पिस्ता 4 खाने का चम्मच कटिंग करे हुए दो, इलायची जो पाउडर 1/2 चाय जो चम्मच थी वो ही आए, साओ कलर फूड कलर ग्रीन फूड कलर ये मिल जाते हैं ईजीली ठीक है। जर्दे में मुतंजन में भी हम कलर्स डालते हैं तो वही वाला कलर है ठीक है। साओ कलर जो असा मुतंजन में जर्दे में विझना है यो थोड़ो विझणो है बिल्कुल 2-3 पिंच में विझणो ठीक है, वरना साओ थी वो एडो डार्क भी कलर न थियण खपे। कलर फूड कलर डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना ठीक है। देखें वही हुआ, मैंने लॉक इसका सही नहीं लगाया था तो उसी तरह ये उड़ गया था ठीक है। ये हमेशा इसका लॉक सही बिठाया करें तो उससे क्या होता है कि ये आराम से बैठ जाता है। इसका कलर आपने देखना है ठीक है, बिल्कुल लाइट पिस्ते ही कलर है, सेम वही कलर आ रहा है। थोड़ा मैं इसमें और डालूँगा, बहुत ज़्यादा ग्रीन ना हो जाए इस तरह, पाउडर थोड़ा सा इसमें और डालना है ठीक है। वरी भी जना सी है कलर, और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये हो गई हमारी पिस्ता आइसक्रीम तैयार। बॉक्स लें क्लियर, इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स भी मिल जाते हैं, अगर ये नहीं तो साफ बॉक्स यूज़ करें, सालन वाला बिल्कुल ना यूज़ किया करें, इसमें से स्मेल ख़त्म नहीं होती कितना भी आप धो लें ठीक है। आइसक्रीम्स और मीठों के लिए अलग से बॉक्स रखा करें कंटेनर। ये पूरी पिस्ता आइसक्रीम, ये जितना पिस्ता है लास्ट में ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, इसमें से निकाल लें। और इसको भी आपने 12 घंटे से 15 घंटे और अगर बार बार लोड शेडिंग का इशू है तो फिर इसको 24 घंटे तक आपने रखना है ठीक है। इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही जम जाएगी ठीक है। 12 का 15 कलाक तक नॉर्मल रख भी, फ्रीज़र खोल जो ना, चेक ना कजो बार बार इनके खोले ना, ॾिसजो ही बिल्कुल पाणी तैयार थी वेंदी, न त पोइ छा कजो कि इनखे अगरि लाइट जो इशू आहे बार बार त 24 कलाक रखिजो, हुन खां पोइ तव्हांखे यूज़ कंदो ठीक है। फिर आप 24 घंटे रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी हो गई है आइसक्रीम तैयार इस तरह कंटेनर में ठीक है। दूध की क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, दूध की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने से भी क्या होता है कि आइसक्रीम जमती नहीं है। जितनी मैंने रखी उसी तरह आपने आइसक्रीम इसमें रखनी है ठीक है। ये हो गई, और अब इसके बाद हम बनाते हैं ड्रिंक। ड्रिंक में छा है अज कहिड़ो फ्लेवर, इलायची फ्लेवर है ठीक है। करछी जो जामे शिरी इलायची फ्लेवर में, इनके तां खीर में भी ठाई सको था, इनके तां पानी में भी ठाई सको था, बेहतरीन है ड्रिंक आ है इलायची फ्लेवर में। और इसको बनाते हैं ग्लास में ठंडे पानी में, यहाँ पे लेते हैं इलायची। ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, जब आप इसका कवर खोलें बहुत अच्छे से इसमें से अरोमा आता होता है। 2 खंड जा चमच, खंड मिलाने की ज़रूरत नहीं पे, जो पांजो ही फ्लेवर डाढ़ो सुठो होता है ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह डिजॉल्व करना है, दूध में डालें लस्सी में डालें, इस तरह आप ये ड्रिंक बना के पी सकते हैं। ठीक है, करछी जो जामे शिरी इलायची फ्लेवर, ये हो गया। और इसके साथ पिस्ता आइसक्रीम हो गई हमारी आज की रेसिपीज, मुर्ग मसाला, पिस्ता आइसक्रीम, और उसके साथ मैंने क्या बनाया है, ड्रिंक बनाई है करछी का जामे शिरी ठीक है। ये रेसिपी कल 12 बजे रिपीट चलेगी, कुकिंग विद शेफ एस मेरा पेज है फेसबुक पे, हमारी रेसिपी अपलोड हो जाएगी। कोई चीज़ समझना है इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, बहुत सारे बहनें मैसेजेस करती हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, रात को मैं बैठ के अपने पेज को पूरा मेंटेन कर लेता हूँ। और इंशाल्लाह कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, फालूदा कल मैं बनाऊंगा, फालूदा बड़ी मज़ेदार रेसिपी होगी, होममेड आप फालूदा बनाएंगे, उसके साथ और भी कोई खाने की कोई अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो, या फिर कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें उसको, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी डेली की डेली, जो यहाँ पर वीडियो अपलोड हो जाएगी ठीक है। इंशाल्लाह सुबाने 12 बजे रिपीट दो कुकिंग विद शेफ फैसल मुझे पेज होते रेसिपी अपलोड थी दी। वीडियो डिसन ला सर्च कियो सिंध टीवी HD कुकिंग शो, या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कंदो यूट्यूब ते, ताकि वीडियोस मिली वेंदी। उनके गाड़ो वारो बटन सब्सक्राइब कर जो, उनके सब्सक्राइब कजो, लाइक कजो, ताकि सजी रेसिपीज जी अपडेट्स मिलंदी रहंदी। वीडियो सा ते दिसंदो सो पाणे फालूदो ठाइंदा सी, बीबी का सुठी रेसिपी ठाइंदा सी। पंजो कोड सरो खैलक जो दुआ में अदर कजो। अल्लाह हाफिज़।
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो डिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।